इस खबर के प्रायोजक हैं ग्लोमैक्स अस्पताल, सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सीवान। मोबाइल नंबर है 8002256300। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। वहीं डॉक्टर मंजीत रंजन झुनापुर न्यू बाईपास सिवान और डॉक्टर देवेश खान मार्केट सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइन तक बिहार। सिवान में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 6 वर्ष के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार 2 किशोरों के द्वारा बारी बारी से किया गया है। यह पूरा मामला मधेवाओपी थाना क्षेत्र के चकिया गांव का है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिवान शहर के मधेवाओपी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में मंगलवार के दोपहर 3 बजे एक 6 वर्षीय बच्चे को उसके ही गांव के रहने वाले 2 किशोरों ने, जिनकी उम्र 12 से 13 वर्ष के बीच बताई जा रही है, उन दोनों ने उस बच्चे को ज़बरदस्ती टांग कर गाँव के सुनसान जगह नई मस्जिद के पीछे ले गए और दोनों ने बारी बारी से बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। यह आरोप 6 वर्षीय बच्चे उसके परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, परिजनों ने बताया कि घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दोनों किशोरों ने दी है। उन दोनों किशोरों ने परिजनों को इसका पता तब पता चला जब 6 वर्षीय बच्चे ने के पैंट से ब्लीडिंग हो रही थी। तब घर वालों ने सारी बात पूछी तो 6 वर्षीय पीड़ित बच्चा अपने घर पर पूरी बात बताया। घर के लोग घबरा गए। परिजन आनन-फानन में सिवान अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे। वहीं परिजनों ने बताया कि जिन दो किशोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस बच्चे के इलाज के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं पीड़ित बच्चे का परिजनों का कहना है कि जो जिन दो किशोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह स्मैक का नशा भी करते हैं। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, प्रथम दृष्टिया से यौनाचार का मामला लग रहा है, मामला दर्ज कर आगे की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। तो आइए बात करते हैं उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। 6 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ 2 किशोरों के द्वारा यौनाचार किया गया है, अप्राकृतिक यौनाचार किया गया है। तो आइए परिजनों ने क्या कुछ बताया है। जो लोग खबर देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, धन्यवाद। बताया जाए क्या घटना हुई जिसको, जिस बच्चे को लेकर आप सदर अस्पताल पहुंची? सदर अस्पताल पहुँचे हैं लोग, बच्चे को देख कर बहुत ज़्यादा गिरा था लोग, बच्चे लेके चल गए हैं लोग बाहर पर ही। इस बच्चे के साथ क्या क्या किस तरह का व्यवहार किया गया लड़कों के साथ? उसको लेके गए थे लोग, बच्चे हैं इनको मुंह दबा कर और काम करे हैं लोग बच्चे मिलकर। कहाँ की रहने वाली हैं? चकिया के। उस बच्चे का नाम?